हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल माय स्टाइल माय फैशन। आज मैं बना रही हूँ पुलाव और करी, तो जिसके लिए मैंने चावलों को अच्छे से धो के उसे भिगोने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें काजू है और किशमिश है, इन्हें भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। करी मैं हरे मटर की बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पर हरे मटरों को भी मैंने धो के रख दिया है। साथ ही साथ मैंने प्याज और टमाटरों को काट लिया है। आप चाहे तो लंबा काटिए या छोटा, आप अपने हिसाब से काट सकते हो। इसमें लहसुन भी जाएगा, लेकिन मैं हरा लहसुन डाल रही हूँ तो वो मैंने इसमें नहीं रखा है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी, तेजपत्ता और चक्रीफूल। तो कढ़ाई यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दी है। कढ़ाई में सबसे पहले तेल लिया, तेल गरम होते ही जीरा डाला, फिर इसके अंदर हींग पाउडर डाल दिया है और जो खड़े मसाले हमने लिए थे ना उसे हमें इस पर डाल देना है। और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट थे उसे हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, इससे ना स्वाद बहुत अच्छा वाला आता है। ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाए उसके बाद इसके अंदर हमें डालने हैं चावलों को। चावलों को यहाँ पर हमें डालना है और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई फ्रूट के साथ हमें भून लेना है। चावल थोड़े से भून जाए उसके बाद इसमें हमें पानी एडजस्ट कर लेना है। पानी जितना चावल पीते रहेंगे उस हिसाब से आप इसमें डालते जाइए। और पानी डाल देने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से हमें नमक डाल देना है और साथ ही साथ थोड़ी सी चीनी को भी डाल देना है। अभी दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, तेल गर्म होते ही उसमें मैंने हरा लहसुन डाल दिया है और उसके बाद जो प्याज टमाटर काट के रखे थे ना उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इन सभी को अच्छे से भूनना है और उसके अंदर मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं। हरे मटरों को भी मैंने उबलने के लिए भी रख दिया है। यहाँ पर मैं करी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो जो प्याज टमाटर है वो अच्छे से नरम हो जाए तब तक उसे भून लेना है। प्याज टमाटर अच्छे से भून जाए उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। हरे मटर का कलर हरा रखने के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी थी, तो अभी यहाँ पर प्याज टमाटर ठंडे हो चुके हैं तो अभी इसे मैं पीस लूँगी। प्याज टमाटरों को मैंने अभी अच्छे से पीस लिया है और एकदम ही मुलायम वाली पेस्ट बनानी है। मटर भी हमारे उबल के तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने एक पैन गरम करने के लिए रखा है, उसमें तेल डाला है, थोड़ा सा हींग पाउडर और जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी ना उसे डाल देना है और इसे अच्छे से भुनना है, क्योंकि इसमें काजू है ना तो इस वजह से वो चिपक जाएगी, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। अभी इसमें हम मसाले करेंगे, रेगुलर वाले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। मसालों को ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छे से पका लेना है ताकि ग्रेवी का कलर भी बदली हो जाए और इसका स्वाद भी ग्रेवी के अंदर आ जाए। मसाले पक जाए उसके बाद इसके अंदर हमें हरे मटर को डाल देना है और इसे भी ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पकाना है ताकि मटर में भी ग्रेवी का अच्छे से टेस्ट आ जाए और इसे धीमी आंच पे हमें उबलने देना है। इसमें आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और ये बहुत ही बढ़िया वाली हमारी करी तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ जो हमारे पुलाव थे ना वो भी तैयार हो चुका है। ये हमारे देसी चावल का पुलाव है, बहुत ही मीठा लगता है और साथ ही साथ यम्मी वाली हमारी करी तैयार हो चुकी है। आज की आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।